हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री समय समय पर जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद्र शर्मा ने फरीदाबाद के अलग अलग गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ तिगांव के विधायक राजेश नागर और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मूलचंद्र शर्मा ने तिगांव, कोराली, जसाना, भतोला और तिलपत गांव में जनसंवाद किया। तिगांव में सुनवाई करते हुए मूलचंद्र शर्मा ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि लोगों की परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर लोगों को परिवार पहचान पत्र के फायदे गिनवाए। इसके साथ साथ वो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी का भी जिक्र करते नजर आए। मूलचंद्र शर्मा ने इस मौके पर सरकार की नीति और नियत की भी जमकर तारीफ की। तो मेरे की पहला जनसंवाद है जहाँ बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, गली की है, लोगों की पेंशन की है। ये छोटी छोटी समस्या हैं जो लोगों की समस्या है, या सड़कों की, मार्केटिंग बोर्ड की, इस तरह की समस्या को जल्दी लोगों ने पंचायत ने दोनों दो बड़ी पंचायत काम में और दोनों पंचायतों ने की जो डिमांड है उस सबको पूरा करेंगे और जो फिजिबल होंगे जल्दी से जल्दी इनको गति देने काम करेंगे और जो हमारे काम रुके हुए हैं उनको और तेज़ी के साथ करेंगे। नहीं, हमारा मुख्यमंत्री क्या है, जो अधिकारी काम ये नहीं करेगा ट्रांसफ़र, और मुख्यमंत्री कल भी कहा है कोई अधिकारी ट्रांसफर नहीं माने अपनी सस्पेंशन माने। कैबिनेट मंत्री मूलचंद्र शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर भी कटाक्ष किया, सुनिए जरा। ये 14 में भी कहा था इन्होंने, 19 में भी कहा था, 24 में भी कहने वाले हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश में दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उन 14 में कुछ नहीं हुआ, 19 में कुछ नहीं, 24 को होने वाले। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने भी लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि वह लोगों की परेशानियों को समयबद्ध तरीके से हल करें वरना उन्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।